वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एकदम रेडीमेड बुनाई की तरह डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज और गर्ल्स के ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनली टू रो रिपीटेड डिजाइन है फ्रेंड्स, और दो दो फंदों में ये डिजाइन डलता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए डिजाइन को बनाने के लिए हमें इवन कास्ट में फंदे चाहिए, मीन जो दो दो फंदों का जोड़। पूरी रो में हमने 2+2 ऐसे दो दो फंदे लेने हैं। तो ये पैटर्न सेट आएगा बॉर्डर के बाद। सीधी साइड से हम अपनी फर्स्ट रो डालेंगे गाइस। पहली हमारी बेस क्रोच आएगी, पहली सिलाई हमने ऐसे सीधा सीधा बुनकर ही कंप्लीट करनी है। आपने कोई भी फंदा बढ़ाना है कम करना है तो आप इस रो में कर सकते हैं। सॉरी, देखिए पहली सिलाई हमने ऐसे ही पूरी सीधा सीधा बुनते हुए खत्म कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। देखिए फर्स्ट रो हमने ऐसे सीधा सीधा बना ली है। अब हम बैक साइड आगे, बैक साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो हमारी बैक साइड से ही डलेगी। अब ध्यान से देखिए क्या क्या करना है हमने। एस स्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया बूल को पीछे लेकर के। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए एक दो दो फंदे छोड़कर, देखिए दोनों फंदों के बीच में से जे वाला होल हमें दिखाई देता है। दोनों फंदों के बीच में से जहाँ से हमने एक लूज लूप लेना है, इतना सा लूज आप आगे लेकर आए। ऐसे हमने एक जाली बनाई। अब इन दोनों फंदों को हमने ऐसे उल्टा बना लेना है। देखिए इन्हीं दो फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे। दो में से हमने ये तीन फंदे निकाल लिए, फिर से बूल पीछे। अब देखिए एक दो दो फंदों के इस वाले लूप के नीचे से हमने होल में से सिलाई डालनी है ऐसे। देखिए एक इतना सा लूज लूप लिया। अब हम क्या करेंगे कि जाली बनाएंगे, दो का एक बना देंगे। पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है गाइस। देखिए बनने के बाद डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे शॉल, मफलर्स की भी, ब्लाउज किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। अब लास्ट का फंदा भी उल्टा बुना। देखिए फर्स्ट रो हमने ऐसे रिपीट कर ली है पूरी, इन दो फंदों को रिपीट करते हुए कंप्लीट की है। अब हम राइट साइड आ गए डिज़ाइन की सेकंड रो। एस स्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा। अब एक फंदा बुना, देखिए जे हमारे तीन तीन फंदों का पेयर है, तीन फंदे जे, तीन जे, तीन जे, तीन जे। अब देखिए पहला फंदा हमने बुन लिया, जे बीच वाला जाली का फंदा है, इसे हमने ऐसे ड्रॉप कर देना है। और साथ वाला भी हम सीधा बुनेंगे। फिर से एक फंदा बुना, बीच वाला हमने ड्रॉप किया, दूसरा सीधा बुना। फिर से एक फंदा सीधा, इस फंदे को हमने ऐसे उतार दिया, इसे भी सीधा। देखिए दो में से हमने दो दो फंदे ही निकाल लिए हैं। जो फंदा हमने बढ़ाया था जाली के साथ, उस फंदे को हम इस सिलाई में देखिए कम कर रहे हैं। जी देखिए दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड आगे डिजाइन की थर्ड रो, ध्यान से देखिएगा। एस स्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, पहले हमने इन दो फंदों के बीच में से डिजाइन डाला था। अब हम पहला फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुना, जे ध्यान देना है एक फंदा जे छोटा है, एक हमारा जे लूप वाला है। इन दोनों के बीच में से जहां से हमने सिलाई डालनी है, देखिए हम ऐसे लूज लूप लेंगे। फिर से ऐसे बल दिया, दो का एक किया। फिर से बूल पीछे लेकर गए, जहाँ से नीचे से सिलाई डाली, लूज लूप लिया, दो का एक किया। देखिए पूरी रो हमने ऐसे ही करते जाना है, सेम फर्स्ट रो की तरह ही है, सिर्फ हमारे फंदों की जगह चेंज हुई है। देखिए नीचे से हमने ऐसे लूप लिया, दो का एक किया, ये दोनों फंदे हमने ऐसे
उल्टे बना लेने हैं। देखिए तीन सिलाई हमारी इसके साथ कंप्लीट होती है। अब हम राइट साइड आगे डिज़ाइन की फोर्थ रो है, स्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया। अब देखिए फिर से ये हमारे तीन तीन फंदों का जोड़ आ रहा है। देखिए ऐसे हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा सीधा, देखिए अब इन तीन में से पहला फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए अब हमारे जो दो फंदे सीधे आए हैं चौथी सिलाई में, बीच वाला फंदा हम ऐसे गिरा देंगे, ये भी सीधा, फिर से सीधा इसे उतारा। देख पूरी रो हमने ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए लास्ट के दो फंदे हमने सीधे बुने। देखिए इसके साथ चार सिलाई हमारी कंप्लीट होती है और हमारा जो डिज़ाइन ऐसे बनने लगा है। हम इसी इन्हीं चार सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसे बनेगा। देखिए ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी राइट साइड। देखिए बहुत ही छोटी छोटी सी डब्बी बनती है, एकदम जाली जैसा डिज़ाइन है जी। देखिए बनने के बाद एकदम रेडीमेड बुनाई लगती है जी, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।